मॉर्निंग शो करना है गौरी और अजमल, मॉर्निंग शो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा किस चीज पे करें ताकि आवाम की सुबह अच्छी हो। तो आविश भाई शादी करवा देते हैं ना किसी को भी पकड़ के, शादी करवा देते हैं किसी को भी पकड़ के, वो लोग अग्री होंगे इस पे? डजंट मैटर छोड़े, मैंने सुना आप पे लाइव शो में जिन चढ़ गया। मैं होस्ट हूँ यार, मैं कमांडिंग पोजीशन में होना चाहिए, मैं चढ़ूंगा जिन पे, ये ज्यादा बेटर सिचुएशन है। भाई आप सब छोड़ो, मेरी जो खाला है ना वो नानी की उम्र की, वो नानी बन चुकी है लेकिन अब वो माँ भी बन गई एक बार फिर, कि उनके बच्चे का अकीका करा देते ना यार। नानी की उम्र का बच्चा अकीका? अकीका क्यों होगा मॉर्निंग शो में यार, इसके क्या वैल्यू है अकीके की? नहीं कुछ और कुछ यार, हालात को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास लोगों, मिडिल क्लास लोगों को बुलाते हैं साउंडिंग वेल टू मी और ब्रांडेड कपड़े दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए ताकि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ताकि वो कॉम्प्लेक्स से बचे। तुम लोगों को हायर किसने किया यार? आपने? मैंने? मुझे किसने हायर किया? निकलो तुम लोग यहाँ से। कैसे बनेगा ये मॉर्निंग शो यार? मॉर्निंग खत्म करा देता हूँ, सूरज पे कपड़ा। ताबेश मैं बताती हूँ ना। फॉर्मूला? हाँ मैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, चलिए प्लीज आ जाओ। वेलकम टू हंसना मनाए, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को शक है कि आप खूबसूरत भी हैं तो तालियां बजाइए। अब है शक तो है, मैं क्या कर सकता हूं। खवातीन हजरात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, भाई नो डाउट पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीवी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, बड़े बड़े नाम इनका मुकाबला करने से हैं। कासिर, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर निदा यासर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बोल से बेटा। अस्सलाम वालेकुम। निदा, बैठने से पहले जी, बैठने से पहले शो की रिवायत सी है कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है, कुछ सुनाइए ना प्लीज। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। अंडे उबल? करीब जाके देखा, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। और एक और बात और भी आ गया, मुझे आपसे एक एक्स्ट्रा चेक चाहिए क्योंकि हर शो में आप मेरा नाम जिक्र करते हो बरकत के लिए। हर शो में कुछ ना कुछ होता है मेरे लिए। मैडम है बनता है ये, आपके शो के अलावा किसी और फेमस शो में भी जिक्र होना चाहिए ना आपका, इसलिए मैं करता हूँ आपका। प्लीज बैठिए। गंजे क्यों चल रहे थे वहां पे जब आप करीब गए? हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा हो। अभी आपसे स्टार्ट करूंगा, आपकी बहन एक टैलेंटेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, आपके हस्बैंड एक इंतहाई बेहतरीन एक्टर प्रोड्यूसर हैं, आपके देवर एक इतने अच्छे एक्टर हैं, आपके वालदैन इतने अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, सब इतने टैलेंटेड हैं, तो फिर आप इतनी मुख्तलिफ क्यों निकली? यानी इतनी ज्यादा ही टैलेंटेड क्यों निकली? सबसे कम टैलेंटेड थी मैं उन सब में। नहीं ये नहीं, तो मुझे मेरे ऊपर अल्लाह मियां ने तर्स खा लिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा, आप जब मैं आपने स्टार्ट किया, मैंने आपके ड्रामे भी देखे, मैं उस वक्त से टीवी देख रहा हूँ, हमारे घर उस वक्त से टीवी भी था, लेकिन आप फिर 15 साल ऐसा इस होस्टिंग के ही काम में लगी, अब आपको एक्टिंग करते हुए हम देखते हैं नादानिया में, अभी रिसेंटली दोबारा लॉन्च हुआ है वो, एक्टिंग छोड़ दी आपने, क्यों? टाइम नहीं था मेरे पास, बिजी इतना काम, सुबह 2 घंटे तो आप बस मॉर्निंग शो करती हैं, उसके बाद क्या बिजी? उसके बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं, प्लम्बर को बुलाना, कारपेंटर को बुलाना, खाना पकवाना, घर की सफाइयां कराना, तो एक बार पंखे साफ करा, घर ठीक करा लेना। आप ये रोज क्यों बुला रही है प्लम्बर मैकेनिक? ज्यादा पैसे दे, काम ठीक कराए। मेरे 3 साइज के अलग अलग बच्चे हैं और उनका जो बाप है वो भी बच्चों से कम नहीं है, ऑफ कोर्स, तो इसीलिए मैं एक्टिंग को टाइम नहीं दे सकती। चलें, अब आपने यासिर भाई का जिक्र खैर छेड़ ही दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब यासिर भाई ने फर्स्ट टाइम आपको प्रपोज किया तो आपने मना कर दिया जी, फिर उन्होंने आपके वालिद साहब ने भी उनको काम देने से इंकार कर दिया? नहीं, वो उन्होंने पहले ही, मतलब उस वक्त जब मैंने शादी के लिए उनको मना किया, ये तब की बात नहीं है, जब यासिर नए नए आए थे। कहां, तो, दुनिया में या इंडस्ट्री में? इस फील्ड में, इंडस्ट्री में। तो जब वो नए नए आए थे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे क्या पता। मैं बात कर रही हूँ तब की, जब वो इंडस्ट्री में आए थे,
तो उन्होंने अब्बू को ऑडिशन दिया था, उस वक्त थोड़े कच्चे एक्टर थे, वो बाद में पक्के एक्टर बने, बाद में पक्के एक्टर। या वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार इतना था कि उन्होंने एक्टिंग पे काम किया फिर? नहीं 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 नहीं, वो जब मुझसे उनको मोहब्बत हुई थी तो वो प्रॉपर एक्टर बन चुके थे। एक्टिंग में तो नहीं प्यार कर रहे थे वो शायद? नहीं नहीं नहीं, अब तो यही लगता है। अच्छा, उन्होंने मना क्यों किया था एक्टिंग में उस वक्त? कच्चे थे क्योंकि आपके वालिद साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मेरे वालिद साहब के पास वो बहुत नए नए थे, तब आए थे, तो तब वो शायद ऑडिशंस में फेल हो जाते थे यहाँ से। बहुत सारे एक्टर्स जो उनको ऑडिशंस नहीं देना आते। सही बात। आप भी जाएंगे अगर ऑडिशन में? मैं हो चुका हूँ फेल। यासिर भाई को आपने मना क्यों किया जबकि इतने प्यारे से हैं, क्यूट से हैं, मना क्यों किया था? कि बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी, मुझे डर लगने लगा थोड़ा कि वो थोड़ा ना वडेरा टाइप के ड्रामे चल रहे थे उस वक्त, तो मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी मूछें भी हैं और कभी शॉल वॉल पहन के आते थे सलवार कमीज, तो वो कोई वो पॉलिटिशियन और वो वडेरा टाइप लुक आती थी, तो मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता। फिर आपने कैसे उनसे अग्री? फिर उन्होंने क्लीन शेव कर ली और फिर जब शादी हो गई तो फिर उगा ली, है ना? ये दिया, अरे वाह, प्यारे तो लग रहे हैं, दोनों प्यारे लग रहे हैं। प्यारे तो हैं। प्यारे। शादी में मुकाबला कर रहे थे कौन ज्यादा अच्छा लगेगा, दुल्हन या दूल्हा। बस एक झूमर की कमी है, वरना बहुत ऐसा है कि मैं और आप डिस्कशन करते रहेंगे, बातों में गहराइयों में जाते रहेंगे, मगर ये लोग बहुत दूर दूर से आए हुए। जी जी, बहुत दूर दूर से आए हुए, इनसे सवाल पूछेंगे, ये आपके लिए सवाल लेकर आए। लाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीहा रिजवान। अलीहा, क्या करती हैं आप? मैं बीएस कर रही हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वेरी नाइस। कोई सवाल? मेरा निदा मैम से सवाल है। मैम, पिछले 10 सालों से आप जो है वो ईद पे मॉर्निंग शो कर रही हैं, और ईद पे आप मॉर्निंग शो ही कर रही होती हैं, तो ये आपके घर में शीर खुरमा कौन बनाता है? बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल। अच्छा, खाली ईद के शोज होते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, वो लाइव हम नहीं कर सकते क्योंकि हम 6 से 7 सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते हैं, वो अपनी ईद छोड़ के नहीं आ सकते, वरना मैं तो फिर भी चली जाती लाइव करने। तो सिर्फ ईद के शो ऐसे होते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं, पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी, पहले से देखो बेटा, लाइव नहीं होते वो। आप लोगों कितना वो रहता हो, उम्मीदें टूट गई होंगी ना, आप लोग समझते होंगे सब ईद पे टीवी सेट पे बैठे हुए हैं जाके, ऐसा ऐसा नहीं होता यार, हम लोग भी ईदें मनाते हैं हम लोग भी। तो वो पहले से, हम भी जब ईद शो रिकॉर्ड करते हैं तो वो कभी कभी 20-20 दिन पहले कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, क्या करती हैं? मैं बीएस कर रही हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीएस कर रही हैं। सवाल? मेरा सवाल निदा मैम से है कि आपके जो फादर हैं काजिम पाशा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपकी जो सिस्टर हैं सवेरा पाशा, वो भी बहुत बोलती हैं, और आप भी बहुत बोलती हैं, तो जब घर में सब बहुत बोलते हैं तो फिर सुनता कौन है? अच्छा सवाल है। यासिर भाई के अलावा और कौन कौन सुनता है? मेरी अम्मी भी बहुत बोलती थी, मेरी अम्मी और अब्बू दोनों डिबेटर्स थे। अरे वाह। हम सब बोलने वाले हैं। मेरा जो भाई है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारा भाई है, वो चुप रहता है, तो सब बोलते हैं, सुनता सिर्फ वो है। वो बोलना चाह रहा होता है, उसको मौका नहीं मिलता। वो है ही नहीं, काम को है, वो उसको बोलना ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, क्या करती हो? मैं बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ। ठीक। मेरा सवाल निदा मैम से है कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट को अपने शो में बुलाती हैं, अभी तक ताबिश भाई को नहीं बुलाया, वो आते नहीं है या आप उन्हें बड़ा आर्टिस्ट नहीं समझते? क्या क्या आखिर में क्या था? वो आते नहीं है या वो बड़े आर्टिस्ट नहीं है? ताबिश बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और मेरे फेवरेट होस्ट हैं। ताबिश ने शर्त रखी थी, ताबिश ने शर्त रखी थी, पहले आप आएंगी फिर मैं आऊंगा। अब मैं आ गई हूँ, अब इनकी बारी है। अब मैं हूँ, लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ ना, मसला ये है, मैं क्या करने आऊंगा? दूसरी करा दी एक बार और? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा खुश नहीं हो। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सर शायान। क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल? अच्छा सर, मेरा सवाल है मिस निदा के साथ, सवाल कुछ खवातीन वाला है, तो खवातीन के अंदाज में मैं करना चाहूँगा इनसे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप इतने क्यूट कैसे हैं? आपकी आंखें हैं बहन, जो थैंक यू बहन, आपकी आंखें हैं, वरना मुझे तो नहीं लगता कि मैं खूबसूरत हूँ, बस आपकी मोहब्बत है। खूबसूरत है भाई? है भाई, है नहीं है?
अच्छा, तो लगता है। मेरा एक सवाल ताबिश सर से भी है। मुझसे भी है जी सर, पूछिए ना। सर आपने इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? भाई इसलिए कर ली था कि कोई लड़का लड़की की आवाज में आके मुझे प्रपोज ना कर दे। अच्छा मेरे दोस्त, आपने बड़ी अच्छी आवाज निकाली, आप क्या ये मतलब काम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं क्या, या बस ये लड़कियां बनने का शौक है? मिली नहीं तो खुद बन गए। नहीं, जब बास टाइम बैलेंस खत्म हो जाते तो मैं ये यूज कर लेती हूँ पहले। और भी आवाजें निकाल लेते? नहीं, अभी फिलहाल इस पे कोशिश जारी है। अच्छी। अच्छा, इसमें गाना गा सकते हैं? ट्राई कर सकती हूँ। दो लाइन में कौन सा गाना सुनेंगे आप? कोई भी सुना दे, इस आवाज में आप सिर्फ सुना दे। और तुम्हें खुद मजा आ रहा है, पता है, खुद लड़की बन के मजा आ रहा है इसे। प्यारी लड़की बनाऊं मैं? काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। छोड़ दो, मेरी गलती है, मैं तुमसे कहना ही नहीं चाहिए था मुझे, एक्सपोज हो गया। लेकिन बहुत अच्छी आवाज निकाली आपने। थैंक यू, बहुत अच्छा टैलेंट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोइज अकबर। मोइज क्या कर? मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अभी एडमिशन लिया। कोई सवाल? मिस निदा, मेरा आपसे सवाल है, सवाल सिर्फ सिंपल सा है, वो ये है कि आप हर थोड़े थोड़े अरसे बाद आप फेमस हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, ये प्री प्लान्ड है या फिर बस हो ही जाता है? निदा जी, ये तो एक अच्छा रेलिवेंट सवाल है। हर कुछ अरसे बाद मीम देखते हैं हम, एक बन जाती है। हम ये लड़कों का काम, रोज आती हूँ टीवी पे। आप कितने दफा शो चलता है हफ्ते में? हफ्ते में 3 बार चलता है, उसके बावजूद हाँ, लेकिन मीम्स की तादाद आपके यहाँ? मैं 15 साल से रोज आ रही हूँ। आपको कितने साल हुए? मुझे 2-3 साल। बस तो फिर देखिए, 5 साल बाद आपके भी मीम्स बहुत बनेंगे। जेलस नहीं हूँ। हमने में ताबिश भाई, अच्छा एक मैं मेरा हमारी तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम ऐसी स्ट्रेटजी रखते हैं कि कुछ चीज़ों में मीम बनवा लेते हैं। ठीक है, अक्सर मैं कह भी देता हूँ इस पर मीम बन गई, तो मीम बन भी जाती है। और मीमर मोहब्बत ही बहुत करते हैं। आप इस जो मीम बनती है, प्री प्लान तो नहीं होती ना ये? अरे तो भाई, मैं तो बचती हूँ कि किसी तरह बच जाऊँ मीम बनने से, लेकिन ये क्या करें, तोपों का सारा रुख मेरी तरफ है। ऑफ कोर्स मॉर्निंग शोज नहीं हो रहे, और मॉर्निंग में तो वैसे ही दिमाग ओरिएंटेशन आउट हो रही होती है, कोई भंड हो सकता है। नहीं, भंड के अलावा भी बहुत ज्यादा भंड बना दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स, बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं ना कि उसमें से आप बीच में से कुछ पकड़ लें तो कुछ और मतलब निकलता है। इसलिए फिर अच्छा, जैसे शोएब अख्तर के शो में गई, 92 के वर्ल्ड कप वाली मीम बनी। मैंने शोएब भाई को बोला था, देखिए मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, कोई सवाल नहीं करेगा। जैसे ही मैं आके बैठी हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आके बैठी, उन्होंने पहला सवाल ही यही कर दिया, तो जैसे ब्लैकआउट नहीं हो जाता? आई गेट इट, ब्लैकआउट हो गया। तो मेरे दिमाग में जो जवाब आया मैंने दे दिया। अच्छा, मैं इस चीज में तो ये मीम तो हम देखते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ में देखते हैं यार बिलाजा ने बना दी। आपके घर में सब शरारती हैं? यासिर भाई, दानिश भाई और उनके बड़े भाई, आपके वालिद साहब भी जोक्स करने में पीछे नहीं हटते। वो एंजॉय करते हैं या कहते हैं ये क्यों बनवाया, ये क्यों हुआ, ये करो? वो एंजॉय करते हैं और मुझे एंजॉय करवाने की कोशिश भी करते हैं कि जरा सी मैं डिप्रेस लाइटली लो हो जाती हूँ, तो फिर वो मस्ती करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अपने ऊपर हंसो, कोई और हंसे ना हंसे, तुम खुद हंसो अपने। ये बहुत अच्छी बात है यार, ये ऐसी बात है, ये बहुत। भाई आपसे एक क्वेश्चन भी था और एक रिक्वेस्ट भी थी। हाँ, सब कर लो आज ही। बस एक ही है, सिंपल सी है। ताबिश भाई, आप पिंडी कब चक्कर लगा रहे हैं? बेटा पिंडी को चक्कर थोड़ी लगाता है, ले जाते हैं हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा मैम आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। पढ़ाती हैं माशाल्लाह, क्या पढ़ाती? उर्दू। उर्दू पढ़ाती? सवाल पूछिए। मेरा निदा मैम से सवाल है कि मुझे 14 साल हो गए तकरीबन आपका मॉर्निंग शो देखते हुए, इतनी वैरायटी होती है आपके शो में, हर बार गेस्ट चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, होस्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा? आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, जब पसंद करना छोड़ देंगे, रेटिंग 0 हो जाएगी, तो चैनल चेंज कर देगा। अभी कुछ ऐसा है कि चेंज नहीं कर रहे। 14 साल से देख रही है वो आंटी, सवाल होस्ट चेंज नहीं हो रही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? डॉक्टर आयशा अजहर। डॉक्टर आयशा आप क्या करती हैं? मैं डीन हूँ स्कूल ऑफ गवर्नेंस एंड सोसाइटी की एट UMTU। वेरी नाइस, किस डिपार्टमेंट की डीन है आप? स्कूल ऑफ गवर्नेंस एंड सोसाइटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ा रहे हैं। जी जी, वेरी नाइस। मैम कोई सवाल? आपसे सवाल है ताबिश, आप इतना सक्सेसफुल एक शो होस्ट करते हैं, अगर आपको मॉर्निंग शो होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप करना चाहेंगे, और अगर यस तो किसको रिप्लेस करना पसंद करेंगे?
देखिए रिप्लेस तो नहीं करूँगा, मॉर्निंग शो का मसला ये, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं उठूंगा तो इतना मूड खराब होता है और शो करना उसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा है ना कि अच्छी बात है ना कि खूबसूरत सुबह होती है और इख्तिताम मुझ पर होता है, यही सीक्वेंस चलने दें, इससे अच्छा लगे है ना। सुबह आपको देखते हैं लोग, शाम में हमें देख के पड़ जाते हैं। वैसे आपको शाम में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, लेट नाइट भी देख सकते हैं। किसे? आपको। मैं सो जाता हूँ लेट नाइट, मैं नहीं देखता। अच्छा, क्योंकि ये सवाल आप ही से बनता है और किससे पूछें कि मॉर्निंग शो फॉर एग्जाम्पल, अब आपने रिटायरमेंट ले लिया, आपने कहा 15 साल कर दिया मैं रिटायरमेंट, अब आपको आपके चैनल ने कहा कि अब आप बैठे और रिक्रूट कर रहे हैं एक मॉर्निंग होस्ट, तो आप उसके अंदर क्या क्या देखेंगी? उसके अंदर ये देखूंगी कि वो कितनी लाइक उसकी जिंदगी कितनी रिलेटेबल है, कि वो आम औरत से कितना मिलती जुलती है। अगर मैंने यही सोचा, मैं आगे चल के यही करूंगी कि मैं प्रोडक्शन संभाल लूंगी, मॉर्निंग शो के बैक पे चली जाऊंगी और कोई अच्छी सी यंग प्यारी सी लड़की, लड़की नहीं, माँ बीवी बहन बेटी, मगर प्यारी सी हो, प्यारी सी हो, मतलब क्यूट सी हो, रिलेटेबल हो, हर घर की वही कहानी हो जो उसकी कहानी हो। सो मैं तो ऐसी ढूंढूंगी। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद शेरोज। शेरोज क्या करते हैं? BSES पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक, सवाल। मेरा निदा मैम से सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। इन्होंने अपने शो में काफी लोगों की शादियां करवाई हैं, तो मेरी भी शादी नहीं हो रही, तो मुझे तुमने मुझे रिश्ता कराने वाली आंटी बना दिया है। और क्या शादी? ऐसा कभी होता है कि आप, क्योंकि मॉर्निंग शो में शादियां होती हैं, ये एस्टैब्लिश्ड हकीकत, तो क्या कभी ऐसा होता है कि कभी आपसे कोई माए या अंकल्स रिक्वेस्ट करते हो कि हमारी बेटी का रिश्ता है, अगर कोई लड़का दिखे तो आप, ऐसा आता है? खाली बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी बोलते हैं, बाकायदा फोन कर करके बोलते हैं कि रिश्ता देखो हमारे लिए, रिश्ता तो मैंने, यही काम रह गया आपका? नहीं, मैं कर सकती हूँ, ये तो कोई बात ही अच्छी बात है, दो घरों को जोड़ना, मगर फिर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं कैसे करा दूं आपकी बेटी या आपके बेटे की शादी, कुछ और गड़बड़ हो गई तो कल को आप मुझे ही पकड़ेंगे लोगों को। हाँ, मतलब मुझे बोलते हैं लोग, फोन कर करके आते हैं, तो आगे का बिजनेस यही सोचा है, रिश्ता कराना। ये अच्छा है। अगर कोई उसमें निकल आए कोई सैंपल तो भाई इनके लिए भी देखिए, टीवी भिजवाए अपने, लड़का पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा लड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? जवाद हसन। क्या करते हैं जवाद? बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सवाल क्या लाए? सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपको कोई बात सुना रहा है लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा है, बस सुनते जा रहे हैं, मना भी नहीं कर सकता, लेकिन आप, ये बहुत बार हुआ है यार। ये तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं? हाँ प्लीज। क्या बताने वाले? लड़के ने कान बंद कर लिए। अच्छा सुने, वो आंखें भी पलटना आती हैं आपको, किसी को देखना नहीं चाहे, वो मरना पड़ेगा, लाल लाल सी नहीं हो जाती, याद है? माइक ले करो, दिखाओ बेटा। अक्सर आपने देखा है पतली गलियों से गाड़ियां आती, शीशे बंद कर लेती हैं, ये भी लाहौर की गलियों से गुजरते हुए एक बार पार करके देखो। कामयाब शादी होगी तेरी बेटा, इंशाल्लाह। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, अपनी सीट पे जाओ बेटा। और क्या क्या लपेट सकते हो? मैं जी बस बेटा, मैंने बस हो गया ना, आप अपने हाथ लपेटो और जाओ। नहीं इतना मत लपेटो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल हसीब। क्या करते हैं आप? मैं BBIT कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल निदा मैम से है कि निदा मैम, आपको कितना प्राउड फील होता है कि आप पाकिस्तान की सेकंड बेस्ट होस्ट हैं, क्योंकि नंबर वन का तो सबको पता है कौन है। कौन है बेटा? अहमद अली भट्ट। इस बात में मैं अपना मूड ठीक करूंगा, आप लोग ब्रेक लें, वापस जाओ। बाबर को क्या मशवरा देंगी लेग स्पिन के ऊपर? भाई ये मेरे शो पे आए थे उस पर। अच्छा, माशाल्लाह, इतने सीधा साधा इंसान है, मैंने इनसे जो जो एक्टिविटीज कही हो इन्होंने की। अरे वाह। हाँ, कोई भरम नहीं है। अब इनकी बारी, अब ये भी शादी कर ले। हाँ, इनको करनी चाहिए शादी, इनको करनी चाहिए, ये मशवरा है इनको बस। और इनके भी हाथ पीले हो जाने चाहिए। हाथ पीले हो जाएंगे, बैटरी ग्रिप पे लग जाएगा वो। लेकिन और इनकी शादी मैं दुआ करता हूँ कि आपके शो पे, हाय हाय, कितना पूरा पाकिस्तान देखे। हाँ
वेलकम बैक टू हसना मना है। मेरे साथ मौजूद है निदा यासिर और हम बात कर रहे हैं प्यारी ऑडियंस से। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आकिफ महमूद। सर क्या करते हैं? सर अकाउंट्स का काम है। अकाउंट्स का काम है आपका? वेरी गुड। क्या बैरूनी मुल्क से जो आए हुए उनके? नहीं, सर नजीब के साथ ही। सर नजीब, उनको फंसा दो आप, इनके अकाउंट। सर नजीब के पास सारा पैसा वाइट है सर। वेरी गुड सर। अच्छा तो आप इनका अकाउंट देखते हैं? जी जी। कितना बड़ा अकाउंट है इनका? बस छोटा सा ही है। और अकाउंट? छोटा सा ही है। अच्छा सर ये बताइए कि आप, मैंने सुना है कोई टैलेंट रखते हैं अपने अंदर? टैलेंट कोई नहीं है, बस नहीं है, बस नेचुरल सी। तो गाना वाना गाते हैं? नेचुरल गाना, थोड़ा सा नेचुरल गाना आता है सर। नहीं को नेचुरल क्या, पानी की आवाज निकाल लेते हैं क्या? निदा ये बताइए कि एक तो मॉर्निंग शो, ऊपर से लाइव, ठीक है, कभी कभी गेस्ट कहते हैं आ रहा हूँ, नहीं आए, तो ये प्लान बी क्या होता है? पहले तो ये होता था कि जैसे अगर चार गेस्ट हैं हमारे पास, जैसे एक गेस्ट आप बुलाते हैं, इस तरह नहीं होता, ज्यादातर तीन या चार गेस्ट होते हैं, तो अगर कोई एक डिच करा देता है तो तीन दो या दो बाकी होते हैं, उनसे निकाल लेती हूँ पूरा शो। मगर कभी अगर सोलो गेस्ट रखा है और उसने डिच कराया है शुरू शुरू के दिनों में, तो रिकॉर्डिंग लाइव कैंसिल होना पड़ा। एक या दो दफा कैंसिल हुआ, फिर मैं हमेशा, मुझे पता चल गया कि इस सेलिब्रिटी की फितरत में है धोखा देना, डिच कर देंगे, ठीक है, तो इसलिए फिर मैं प्लान बी बुलाते ही नहीं है आप? नहीं बुलाती हूँ, मैं प्लान बी आजमाती रहती हूँ। अच्छा कुछ ऐसे स्टॉक सेलिब्रिटीज भी तो होंगे कि यार जब कोई नहीं आएगा तो इनको हमेशा बुला सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। स्टॉक नहीं, हेल्पफुल होते हैं वो, जैसे दोस्ती है ना मेरी सबसे, तो दोस्ती में खुद फोन कर दूंगी। एक आध दफा मैंने यासिर से भी रिक्वेस्ट की है, एक आध दफा ईद का शो था यासिर भाई से, मेरे अपने मियां से, सही बात है, तो वो भाई इतना तो हक बनता है, हमने भी उसके ड्रामों में ढोल बजाए, एक्स्ट्रा बन के बैठे हम भी। और क्या, और क्या, इतना तो बनता है यासिर भाई, और क्या, तो फिर वही वाली बात। अच्छा तो एक बात है, दुनिया भर में वेडिंग एनिवर्सरी होती है, लोग जाते हैं, यूरोप जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आपने उस दिन भी यासिर भाई को अपने शो पे बुला लिया यार, वेडिंग एनिवर्सरी भी शो पे, तो उन्होंने बुरा नहीं माना कि यार आज तो कुछ बेहतर कर लें? नहीं, वो फिर मैं कहती हूँ कि एसी की चेक से जो है जाएंगे घूमने, आ जाओ कमाओ, फौरन आ जाती होंगी। अच्छा ऐसा है कि आपने लाखों लोगों का इंटरव्यू किया है, हजारों का तो किया होगा? किया है काफी, 15 साल रोज कर रही है, हजार तो बनी गए अब हैं। जी जी किया। अब ऐसा है कि आज आपसे पूछेंगे मशवरे, कुछ लोगों की तस्वीरें आएंगी, सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त, आपने ब्रीफ ब्रीफ यानी छोटे छोटे मशवरे इन सबको देने हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन है, दिखाइए भाई, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, हुमायूं भाई के अंदर वो सारी चीजें पूरी हैं, प्यारे हैं, बाल भी इनके सब सही हैं, जिस्म विस्म हेल्दी है, इनको मशवरा क्या देंगे? बहुत कम बोलते हैं। कम बोलते हैं? हाँ बहुत कम बोलते हैं, थोड़े से बोलना चाहिए, गेस्ट भी बनते हैं ना शो पे, उसमें कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मतलब लाइक अगर मैं अकेले इनके साथ शो करी हूँ तो ज्यादा होस्ट बोल रही होते हैं, गेस्ट कम बोलते हैं, तो थोड़ा सा बोलना चाहिए। अगला दिखाओ कौन? अरे वाह, शाइस्ता को क्या मशवरा दूं, मैं तो शाइस्ता से इंस्पायर्ड हूँ, इनसे मशवरे लेती हूँ, मैं इनसे मशवरे लेती हूँ, शाइस्ता बताओ यार ये यासिर के साथ ये कैसे करूं शो के लिए, यासिर के मशवरे उनसे क्यों लेती हूं? घरेलू मशवरे ठीक है, घरेलू क्या करूं, ऐसा कि खूबसूरत नजर आऊं अपने मियां को, कुछ स्किन का ऐसा बता दो, फिर उसके बाद ऑडियंस के मशवरे, फिर उसके बाद बच्चों के मशवरे, क्योंकि वही कह रही हूँ ना सारी चीजें, हर अच्छे मशवरे देती हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिल से मशवरे देती हैं, भी बहुत स्वीट खातून, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत जिसे कहते हैं एज अ गेस्ट बहुत ही ज्यादा, एज अ गेस्ट हेल्पफुल है, एज अ पर्सन, एज अ दोस्त हेल्पफुल है, मतलब पर्सनालिटी ऐसी है। अगला दिखाओ भाई, अरे हाय हाय बहुत अच्छे, आप ही को देख रहे हैं, तो उधर देखो, इनको मशवरा क्या दें? इनको मशवरा क्या देती हूँ, एक दफा आ जाए मेरे शो पे ना। हाँ, थोड़ा बजट कम कर ले, हाँ हमारे शो पे भी आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, अगर इनको बुला ले पूरे साल में शो नहीं कर सकता मैं, इतना बजट ज्यादा है ना, महंगे हैं थोड़ा, बहुत महंगे, पाकिस्तानियों के लिए डिस्काउंट दे दे। ऐसा है कि इनसे इस बात की नाराजगी भी नहीं है क्योंकि इतना टैलेंट है, बनता है इतना दाम, ये तो बनता है, इतनी मेहनत से कमाया है इन्होंने, मैंने कमेटी डाली भी है। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ हम दोनों चैनल पैसे जमा करके इनको बुला लेते हैं, ठीक है, और उसका नाम रख लेंगे मिस करके, मॉर्निंग मनाए के नाम से, तो दोनों शो कर लेंगे, ये अच्छा नहीं है? हाँ, ये आप अपने चैनल से बात करें, मैं अपने से बात करती हूँ, फिर तो ना ही समझे,
अगला दिखाओ बेटा। ओए वहार भाई, वहार भाई मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे अच्छे दोस्त नहीं, मुझे कुर्सी से हटाने की बहुत कोशिश की। अच्छा, ये मॉर्निंग शो करना चाह रहे थे। बहुत मुहिम चलाई। वाह वाह वाह, इस पे जरा डिस्कस करेंगे। पहले इतने अच्छे थे मेरे साथ जब उसी चैनल में थे। हाँ। जब वहां से निकल के गए भाई, मैंने नहीं निकलवाया, मैंने कुछ नहीं किया। आपका क्या लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर मेरे दुश्मन हो गए। अरे अरे, फिर ईमेल कर करके निकालो निदा को, निकालो निदा को, पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों भाइयों की दूर कराऊंगा मैं। ये ऐसा हो जाता है वगैरह के झगड़े होते हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कह के वो खत्म कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अब तो वो चले गए, अब वो हम में नहीं रहे, अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए। अगला कौन? वाह बाबर, वो क्या मशवरा देंगी लेग स्पिन के ऊपर? भाई ये मेरे शो पे आए थे उस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह, इतने सीधा साधा इंसान है। मैंने इनसे जो जो एक्टिविटीज कही वो इन्होंने की। अरे वाह, हाँ, कोई भरम नहीं है। अब इनकी बारी, अब ये भी शादी कर लें। हाँ, इनको करनी चाहिए शादी, इनको करनी चाहिए, ये मशवरा है इनको बस। अब इनके भी हाथ पीले हो जाने चाहिए। हाथ पीले, अब हाथ पीले हो जाएंगे, बैट की ग्रिप पे लग जाएगा वो। लेकिन और इनकी शादी मैं दुआ करता हूँ कि आपके शो पे हो। हाय हाय, कितना मजा, पूरा पाकिस्तान देखे। ओए होए, हाय हाय, मेरी भी ख्वाहिश है। और कोई है? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा देंगी या सिर्फ वोट देंगी? अगर इनको कोई मशवरा दूंगी मेरा मियां नाराज हो जाएगा ना फिर। क्यों, उनके फेवरेट हैं? हाँ, तो इनकी अम्मी जो है सबकी फेवरेट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मेरी भी फेवरेट, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मशवरा आप इनको, मशवरा ये दूंगी, वजीर आजम भी बन सकते हैं, कोई मशवरा उस वक्त के लिए। अब इनकी भी बारी है शादी करने की। अच्छा ठीक है भाई, मैं अच्छा चले अगला देखते हैं, इनकी शादी करानी है कि नहीं, दिखाओ। अब इनकी उम्र है नहीं है मैं नहीं पूछ रहा, गुस्से में देख रहे हैं, मशवरा दो। ये ख्याल सोचना भी नहीं, ये ख्याल या सर इधर देखो या उधर देखो, आप कहीं नहीं देखे, मैसेज पहुंच रहे। ये मशवरा इनके लिए हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं मशवरा हो सकता। लेकिन यासिर भाई को वैसे क्या मशवरा दे? यही कि दूसरे लोगों की दूसरी शादी होती तो ज्यादा उम्मीदें ना बढ़ाया करो। ठीक है, हाँ, हाँ। भाई देखो भाई प्लीज। ठीक है, अगला कौन है? ओए आपने, आपको अगर कोई मशवरा, कभी ऐसा होता है शीशे के सामने बात करती हूँ अपने आप से, कुछ कहती हूँ अपने आप से, क्या कहती है? थोड़ी सी चलाक हो जाओ। हाँ ये तो बहुत उल्लू बनी हो, बहुत लोगों ने उल्लू बनाया है, लेकिन कभी भोलापन अच्छा नहीं। ऐसा है कि हमें आपका भोलापन ही अच्छा लगता है। अगर देखिए, कोई उल्लू बनने के बाद भी, बावजूद अगर आप कह रही हैं उल्लू बनाते हैं, 15 साल तक पाकिस्तान का टॉप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, तो हर आदमी को उल्लू बनना चाहिए। बहुत अच्छा खेला। अच्छा ऐसा है ना, आपके बारे में हमने जब तहकीकात की, हाँ, तो तहकीकात में तारीख की किताबों में ये आया कि आपको जर्मन भी बोलनी आती है। 2 साल पढ़ाई की है उधर। जर्मन पढ़ी है आपने? नहीं, जर्मन नहीं पढ़ी, वहां पे स्कूल में पढ़ाई की है, तो स्कूल में पढ़ने तो के लिए कुछ तो, हाँ, जर्मन सीखी। फोर्थ और फिफ्थ क्लास पढ़ी है मैंने जर्मनी। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप मुझसे कुछ जर्मन में पूछे, मैं अंदाजे से तर्जुमा करूंगा। अंदाजे मैं आपको वर्ड्स देती हूँ, हाँ। फिर आप गेस करें क्या। ठीक है, आसान आसान, ठीक है, हाँ। Entschuldigung. Entschuldigung. हाँ, क्या लगता है? Entschuldigung, यानी कि कोई लड़की है, Entschuldigung, यानी कि अब वो जा चुकी है। Entschuldigung. क्या मतलब उसका? Excuse me. When you excuse me. Excuse me. आप भी? अच्छा. Entschuldigung. Entschuldigung. Excuse me इतना लंबा है जर्मन में तो? Entschuldigung. इसमें तो बंदा ही निकल जाएगा. अगला. Okay. यासिर, ich liebe dich. यासिर, ich liebe dich. यासिर, अब दूसरी शादी नहीं करना. ऐसे क्या मतलब है इसका? यासिर, I love you. Oh. मैंने क्यों कह दिया ये? चले आखिरी। ओके, हाल दाई ने क्लाप। ये तो ऐसा लग रहा है सराइकी में कुछ गाया आपने मुझे। हाल दाई ये कब? हाल्ट दाई ने क्लाप, क्या मतलब? शट अप। थोड़ा जलील सा हो रहा हूं इसलिए ब्रेक लेके, ब्रेक से वापस आइए, ऐसा मना कहीं नहीं जाएगा, ताले हो जाइए।
कि आपको ये लगता है कि हम इतना गोरे रंग पे फोकस करते हैं अपने शोज में, तो जो हमारी ओरिजिनल लुक है, इन लोगों को कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता होगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स में लोग हैं और गोरे रंग पे नहीं बात होती, वो गोरे रंग के लोगों ने अपने लिए बना लिया है। हमारी बात ये होती है कि पैची स्किन ना हो, अगर सांवली स्किन भी है तो यहाँ से गोरी, यहाँ से काली, यहाँ से कुछ और ग्रे कलर ना हो, लेकिन लोगों के अंदर हम अभी भी गुलाम हैं। वेलकम बैक टू हसना मनाया, मेरे साथ मौजूद है निदा यासिर। निदा बाजी, ऐसा बाजी क्यों कह रहे हो? निदा जी ये बताइए, बाजी जैसी पर्सनालिटी हो गई है मेरी। हाँ, मैं बिला जब नन्ना बन रहा हूँ ना तो निदा जी कहूंगा। निदा ये बताइए कि आप एक उर्दू स्पीकिंग घर से ताल्लुक रखती हैं जिनको, और आपकी शादी हुई एक सिंधी स्पीकिंग फैमिली में, तो कोई कल्चरल डिफरेंस मिला? मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो अक्सर आपने देखा होगा घरों में कि हम इनमें नहीं शादी करते या सिंधी उनमें नहीं करते, पठान उनमें नहीं करते। हाँ। आपने की एक इंटरकल्चरल मैरिज। हाँ। तो कोई आपको कल्चरल डिफरेंस शुरू में महसूस हुआ कि ये इस तरह होता है हमारे यहाँ? कल्चरल डिफरेंस के अलावा आप किसी भी घर में जाएंगे तो दो घरों का रहन सहन मुख्तलिफ होता है, और वो जो दिल से कुछ लोग मुतासिब होते हैं वो मैं नहीं थी। अच्छा, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। घर वाले भी नहीं थे? और ससुराल वाले भी मुतासिब नहीं थे, उन्होंने बहुत ओपन आर्म से, जो यासिर के पप्पो हैं, हैदराबाद की सारी फैमिली, उन्होंने बहुत मोहब्बत और प्यार से वेलकम किया। वेरी नाइस। अच्छा ऐसा है निदा जी, ऐसा है कि अब हमारा वक्त आ गया है नजर बंद खेलने का। हमारा एक सेगमेंट है, इसमें आपकी आंखों पे आप खुद ही ब्लाइंड फोल्ड पहनेंगी, ठीक है, और यहाँ पर एक तस्वीर आएगी किसी जगह, चीज, जानवर या किसी कोई लफ्ज भी हो सकता है, ठीक है। आपने सिर्फ सवाल पूछने, में हिंट्स भी दूंगा और फिर आप गैस करेंगी वो चीज क्या है, ठीक है? ये आप प्लीज चलें जी, रेडी जी, लगाएं जी पहली तस्वीर। आ गई तस्वीर, आ गई। आ गई? हाँ। जिंदा या मुर्दा? जिंदा है, जिंदा है। बस इसका मतलब जानदार चीज है ना? जानदार। हाँ। जानवर है? हाँ हाँ हाँ, जानवर भी है इसमें, अटैचमेंट के साथ आया हुआ एक जानवर। चार पैर या दो पैर? चार पैर का जानवर। ओके, चार पैर का। चार पैर और दो और चीजें जिसका सपोर्ट है ऐसे इस वक्त। चार पैर और मतलब इसके साथ एक अटैचमेंट है, ये एक पूरा पैकेज है। मतलब पर भी है क्या? पर नहीं, पर नहीं है जानवर, चार पैरों वाला। आप इसी पर चले फिर आगे बना लेंगे कुछ। अच्छा, हाय हाय, फीमेल है कि मेल? तस्वीर से क्लियर नहीं है, तस्वीर से पता नहीं चल रहा ना भाई, कोई आप मेल समझ इसकी जेंडर स्पेसिफिक सवाल, जेंडर स्पेसिफिक जानवर नहीं है, हर्फे आम में इसको मेल ही समझ के चलते हैं। जंगल में होता है कि शहर में? जंगल में जब होता है तो उसको भगा के शहर भेज देते हैं, तू जाते रखा। ये हमारे यहाँ तो हर जगह है भाई। जानदार है आपने बताया? जानदार है, बहुत जानदार है, इसको बहुत काम लिया जाता है इससे। ओहो, ओ मैं तो पहुंच ही नहीं पा रही भाई ये वैसे तो। चलो हिंट देता हूँ आपको। हाँ हिंट्स देना सर। लाहौर वालों को पता भी है कितने मजे का है। कराची वालों को नहीं पता इतना, लाहौर वालों को इसका टेस्ट भी पता है। आप कह रहे हैं जानदार है? हाँ, तो जानदार चीजें खाई भी तो होंगी आपने कभी। पाए कुछ? पाए हैं इसमें, अभी तो जिंदा खड़ा हुआ है, जानवर है, ठीक है। अच्छा, ये किस काम आता है जानवर? ये हर काम आता है, मतलब इन द सेंस के ये बहुत काम का जानवर है, इस पे बैठा भी जा सकता है। अच्छा, और इसके साथ इससे काम लिया भी जा सकता है, और अक्सर हाथी, हाथी हाथ, अरे हाथी से तो काम बहुत कम लेते हैं ना, हाथी तो सवारियों के काम, जूस में काम आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, मगर इससे ये रोडों पे काम लेते हैं। और ऐसा डोंकी, 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 मगर ये डोंकी नहीं है, डोंकी तो है मगर डोंकी के साथ एक अटैचमेंट है, वो गधा गाड़ी। गधा गाड़ी इज द राइट आंसर। अच्छा निदा जी, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मॉर्निंग शो में, प्रोड्यूसर ने कहा आज निदा जी आपने गधा गाड़ी में बैठ के जो है मॉर्निंग शो स्टार्ट करना है? कर लूंगी। अरे भाई कर लूंगी, कभी हुआ तो नहीं है? नहीं, गधा गाड़ी में तो नहीं है, घोड़ा गाड़ी में हुआ है। हाँ वो तो चले। हाँ, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में किया, प्रोमो रिकॉर्ड किया। एक जमाना था गधा गाड़ी की बहुत अच्छी रेस होती थी, लियारी से लेकर कायद आजम मजार तक और आगे तक, हमारा बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट था वहाँ का, कराची का। अब खत्म हो गया। वो था ना मोहेब की फिल्म में था ना गधा गाड़ी वाली रेस। हाँ हाँ हाँ, वो होती थी, बड़ी अच्छी। अगला दिखाओ भाई। आ चुकी है निदा जी तस्वीर। आ गई। ओहो, जिंदा या मुर्दा? बहुत मुर्दा।
नहीं, जानदार नहीं है। जानदार नहीं है ना, अच्छा। खाने की चीज है कि देखने की चीज़? फसाने की। क्या? फसाने की? खाने की चीज नहीं है ये, पहनने की चीज। पहनने की चीज है? हाँ। वो अक्सर कोई और पहनाता है। अच्छा, फीमेल के पहनने की चीज है कि मेल के पहनने की चीज? दोनों के पहनने की चीज। क्या मोजे तो नहीं है? नहीं, मोजे नहीं, मोजे नहीं। इसको पहनने के फायदे बता सकते हैं? बहुत फायदे भाई, अब ये डिपेंड करता है कौन पहना रहा है। ओहो ओहो, टोपी तो नहीं है? अरे नहीं, टोपी नहीं है, टोपी नहीं, टोपी नहीं, टोपी नहीं है ये, टोपी नहीं है ये। अक्सर टोपी हो जाती है इसको पहना के। इस वक्त आपने पहनी हुई है? इस वक्त मैंने पहनी हुई है? हाँ। हाथों में पहनते? हाँ, उंगलियों में। उंगलियों में? अंगूठी? अंगूठी इज द राइट आंसर। अच्छा निता जी, हो गया, बहुत अच्छा खेला आपने, उतारिए ना इसको। अच्छा, वक्त आ चुका है, एक और सेगमेंट है, इसका नाम है ढाई सेकंड का मामला। होगा ये कि आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे, आपने गलत सही को चक्कर में नहीं पड़ना, ये सेगमेंट ही ऐसा है, इसमें सही जवाब नहीं देना, लेकिन जवाब आपने ढाई सेकंड के अंदर देना है। तो ढाई सेकंड का मामला, अगर आप ढाई सेकंड एक्सीड कर जाएंगे बजर बजेगा ये। ठीक है, ढाई सेकंड का मामला, पहला सवाल, समंदर में कितनी मछलियां हैं? पांच। पांच मछलियां, आप किसको अपना रिप्लेसमेंट समझती हैं? शाइस्ता। शाइस्ता। यासिर नवाज क्या करते हुए पकड़े गए? मॉर्निंग शो में क्या नहीं करना चाहिए? शादियां। बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा मॉर्निंग। सबसे ज्यादा मॉर्निंग शो में शादियां किसने की? मैंने। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती है? मुंह धोती हूँ। बच्चे कहाँ छुपा के रखे हैं? बच्चे घर में नहीं, बाहर गए। किसको अपने शो में कभी नहीं बुलाएंगी? वकार जका। सही है, सही है, सही है, सही है, टाइम में था। फॉर्मूला किसके पास है? मेरे पास है। बंदर ने आपके कान में क्या कहा? बंदर ने कहा ताबिश के शो पे मत जाना क्योंकि वहां हंसना मना है। वेरी गुड। 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल में हुआ? बहुत आला। इतना बुरा नहीं खेली, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। अच्छा नेता जी, बहुत थैंक यू सो मच, आप आई, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू टू होस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान्स बिगेस्ट होस्ट। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और मैं आपके सारे शोज देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और सिर्फ अकेले नहीं देखती मैं, यासिर, अच्छा। हम दोनों साथ मिलके देखते हैं, और ये वाहिद शो है जो हम साथ मिलके देखते हैं। यासिर मुझे फीडबैक भी देते रहते हैं, अक्सर डांटते भी रहते हैं, ये क्यों बुलाया, ये क्यों किया, मुझे, हाँ, मुझे बकायदा वो। और हम बहुत हंसते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं, जो डिप्रेशन और टेंशन के दौर में आपका शो एक नेमत की तरह। अच्छा नेता जी, जाते जाते मैं एक सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ। हम अपने मॉर्निंग शोज में गोरे रंग पे, खूबसूरत लुक्स पे, उन गोरा रंग करने की चीज़ों पर, इंजेक्शंस, विटामिंस, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, इन पे इतना डिस्कशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी अपनी ओरिजिनल लुक है, साउथ ईस्ट एशियन सब कॉन्टिनेंटल लुक, जिसमें शायद गंदमी रंग है, हमारी अपने बालों का कलर है, क्या आपको ये लगता है कि हम इतना गोरे रंग पे फोकस करते हैं अपने शोज में, तो जो हमारी ओरिजिनल लुक है, इन लोगों को कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता होगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में लोग हैं, और गोरे रंग पे नहीं बात होती, वो गोरे रंग के लोगों ने अपने लिए बना लिया है। हमारी बात ये होती है कि पैची स्किन ना हो, अगर सांवली स्किन भी है तो यहाँ से गोरी, यहाँ से काली, यहाँ से कुछ और ग्रे कलर ना हो, ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर हम अभी भी गुलाम हैं, वो गुलामी अभी भी हमारे अंदर से निकली नहीं है। गोरा आया और चला गया, इंडिया और पाकिस्तान में से रंग छोड़ गया, वो निकली नहीं है, ठीक है, गोरा हो या काला हो सब प्यारा है। खवातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद थी निदा यासिर, इस वक्त आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। निदा, रात के 12 बजे तक क्या सो जाती हैं या कुछ पढ़ती हैं या कुछ? कभी कभार यासिर देर से आते तो उसका इंतजार करती हूँ और ड्रामे देखती हूँ। चप्पल पकड़ के कहाँ थे तुम? पता होता है मुझे, मैंने अपने ऐप में वो डाउनलोड किया हुआ लोकेशन। वाह वाह, इसका भी तोड़ बताऊंगा मैं आपको, बता दूंगा, उन्हें ना बताना, वो टेक्निकल भी नहीं, उनको समझ भी नहीं आता। खातिर आजाद, अपना ख्याल कीजिएगा, जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा, और अपने गिर्दो नवा के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए, और सुबह मेरा शो देखिए, सुबह ये शो देखिएगा, रात में इख्तिताम अच्छा कीजिएगा मेरा शो, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।